हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। अपने पिछले वीडियोस में हमने मुहावरों के बारे में पढ़ा, मुहावरे को जाना कि मुहावरा क्या है। तो आज के इस वीडियो में, जो कि हमारा मुहावरों का भाग 4 है, इसके अंदर भी हम कुछ और मुहावरों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, और हम देखेंगे उन मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग किस प्रकार से होता है। तो आइए पढ़ते हैं मुहावरों को। यहाँ लिखते हैं मुहावरा, यहाँ लिख लेंगे हम वाक्य, यहाँ पर हम वाक्यों का जो है मुहावरा का मुहावरों के वाक्य बनाएंगे, यहाँ हम उनका अर्थ लिखेंगे और यहाँ हम लिख लेते हैं मुहावरे, मुहावरे। अब हम यहाँ पर अपना पहला मुहावरा लिखते हैं, हम लिखते हैं कान कतरना, कान कतरना, कान कतरना यानी बहुत चालाक होना, बहुत चतुर होना, बहुत चालाक होना। वाक्य बनाते हैं, मीरा छोटी तो है, छोटी तो है लेकिन, लेकिन उसकी बातें, लेकिन उसकी बातें सबके कान कतर देती है, देती है, देती है। अब हम देखते हैं अपना दूसरा मुहावरा, जिसे कि मैं शब्द खून खोलना, खून खोलना, खून खोलना यानी कि बहुत ज्यादा गुस्साना, बहुत गुस्सा आना। किसी भी व्यक्ति के साथ, व्यक्ति के साथ बेईमानी होती देखकर, बेईमानी होती देखकर, होती देखकर मेरा खून खोलने लगता है, लगता है। अब हम यहां पे अपना तीसरा मुहावरा देख लेते हैं, जिसे कि मैं यहां पे लिख देती हूं, ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाना, या इसका मीनिंग होता है नष्ट भ्रष्ट कर देना। ईंट से ईंट बजाना यानी नष्ट भ्रष्ट कर देना, ईंट से ईंट बजाना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। वाक्य लिखते हैं, कारगिल के युद्ध में भारतीय सैनिकों ने, भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा दी, ईंट से ईंट, ईंट से ईंट बजा दी। अब हम यहां पर चौथा मुहावरा देखते हैं अपना,
जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अब कोल्हू का बैल होना, कोल्हू का बैल होना, कोल्हू का बैल होना यानी बहुत ज्यादा मेहनत करना, बहुत अधिक मेहनत करना, बहुत अधिक मेहनत करना। अब इसका वाक्य बना लेते हैं। यहां पर गांवों में आज भी, गांवों में आज भी किसान कोल्हू के बैल की तरह काम करते हैं, काम करते हैं, काम करते हैं। अब हम यहाँ पांचवा मुहावरा देखते हैं अपना, गले का हार होना, गले का हार, गले का हार यानी कि बहुत प्यारा, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। राहुल अपने माता पिता के गले का हार है, राहुल अपने माता पिता के गले का हार है। आइए अब हम कुछ और वाक्यों को, मुहावरों को देखते हैं। अब हम छठा मुहावरा देखते हैं, गागर में, सागर, गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना यानी कम शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में बड़ी बात को कह देना। कम से कम शब्दों में बड़ी बात कहना, कम से कम शब्दों में बड़ी बात कहना। अब इसका वाक्य बनाते हैं। कबीर दास के दोहों ने, कबीर दास के दोहों ने गागर में सागर भर दी है, गागर में सागर यानी कबीरदास के जो दोहे हैं, कम से कम शब्दों में कबीरदास ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। अब हम यहां पे लिखते हैं अपना सातवां मुहावरा, खिल्ली उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, खिल्ली उड़ाना यानी हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना। अब हम इसका वाक्य बनाते हैं। किसी भी गरीब, व्यक्ति की खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए, नहीं उड़ानी चाहिए। किसी भी गरीब व्यक्ति की खिल्ली या उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब हम लिखते हैं अपना आठवां मुहावरा, घोड़े बेचकर सोना,
घोड़े बेचकर सोना, घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चिंत होकर गहरे नींद लेना। निश्चिंत होकर सोना, निश्चिंत हो घोड़े बेचकर सोना यानी के निश्चिंत होकर सोना। परीक्षा खत्म होते ही, परीक्षा खत्म होते ही सभी विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी घोड़े बेचकर सोते हैं, सभी विद्यार्थी घोड़े बेचकर सोते हैं, घोड़े बेचकर सोते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं अपना नौवां मुहावरा, चिराग तले अंधेरा। चिराग, चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरा इसका मतलब होता है आंखों के आगे ही बर्बादी होना, आंखों के आगे बर्बादी होना, बर्बादी होना। अब हम इसका वाक्य बना लेते हैं, चिराग तले अंधेरा। पुलिस वाले के घर चोरी हो गई, हो गई यह तो, यह तो पुलिस वाले के घर चोरी हो गई, यह तो चिराग तले अंधेरा वाली बात है। यह तो चिराग तले अंधेरा, अंधेरा वाली बात है। चिराग तले अंधेरा वाली बात है कि पुलिस वाले का चोरी कह सकते हैं, पुलिस वाले तो भाई सभी चोरों को पकड़ता है, चोर उसी के घर में घुस गए। अब हम देखते हैं अपना दूसरा, दाल ना गलना। दाल ना, दाल ना गलना यानी सफल ना होना, सफल ना होना, सफल ना होना। वाक्य बनाते हैं, राधा के लाख बहाने, राधा के लाख बहाने बनाने पर भी मीरा के आगे, मीरा के आगे उसकी दाल न गली। तो ये थे हैं, तो ये हैं कुछ मुहावरे जिनको हमने अभी पढ़ा और अभी इनको हमने इनका वाक्य में प्रयोग भी देखा और सीखा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जिसमें हम कुछ और भी नई चीजों के बारे में जानेंगे। तो इसी तरह देखते रहिए ज्ञान अभियान, आपका अपना चैनल।